तो हेक्साडेसिमल जो है ऑक्टल में 8 होता है, तो इसमें ये है यहाँ पे 16, तो 16 बिट्स जो है, तो ये जो है 16 को लिखा जा सकता है यहाँ पे 2 की पावर 4, तो ये यहाँ पे इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट। तो अगर ये यहाँ पे हेक्साडेसिमल, तो अब ये 16 है, तो यहाँ पे 4 बिट, जैसे उसमें ऑक्टल में ए बी सी होता था, अब यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये 4 बिट अगर ये है, तो अब इसमें भी ये करेंगे तो जैसे उसमें करते थे आधा, तो 16/2 यानी 8, तो ये वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये 8 बार 0 8 बार 1। तो 8 बार 0 हो गया, अब 8 बार 1, तो अब 8 का भी आधा करेंगे तो 8/2 यानी अब ये 4, तो अब ये जो है ये 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 4 बार 0, फिर 4 का भी आधा करेंगे तो ये 2, और फिर 2 का भी आधा तो ये 1, ये हो गया। तो इसमें जो है 0 0 0, तो ये जो है इसका हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल ये हो जाएगा ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद ये जो है ये यहां पे इसको 10 नहीं लिखते, ए ए बी सी डी ई और ये एफ, तो ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट इसका ये है। तो हेक्साडेसिमल जो है ये 16 है, तो ये 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक ये होता है। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट यानी ये 0 का ये 0, ये 1 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा ये सब डेसिमल इक्विवेलेंट 0 से 15 तक, तो ए बी सी डी ये हो जाएगा 10 11। तो अब अगर इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो वही नंबर है 92.75, अगर ये है डेसिमल, तो अब इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका सबस्क्रिप्ट 16, तो इसमें भी यही होगा कि यह जो डेसिमल से पहले चीज है इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 92 को अगर हमने 16 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 5, और ये रिमाइंडर हो जाएगा 12। और 5 जो बचा, अब ये इसको 16 से डिवाइड किया तो 0 और ये 5, और 12 जो डेसिमल इक्विवेलेंट है, तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, सी, तो 12 का मतलब हो गया सी, तो बस ये हो जाएगा यहाँ पे इसको सी लिख के ये ऐसे उल्टा लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, और डेसिमल के जो बाद हुआ डिजिट है तो 0.75, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, और 12 का मतलब है सी, और इसको नीचे लिखेंगे तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 5C.C।
तो 5C.C का मतलब हो गया ये 92.75 डेसिमल। तो ये यही अगर है 5C.C, अगर ये हेक्साडेसिमल में है तो इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो इसमें भी वही करेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 की पावर 0 यानी 1, और इसको करेंगे 16 की पावर 1, और इसको करेंगे 16 की पावर -1, और ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 5 × 16 + C, और C का जो है वो हम यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो C का मतलब है 12। तो ये हो जाएगा +12 × 16 की पावर 0 यानी 1, और प्लस ये हो जाएगा 12/16। तो ये करेंगे तो 80, और ये वही आ गया 92.75। तो ये ऐसे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट। अब अगर ये हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और यही चीज देते हैं, अगर हमने ये पूछा और ये आया था इसमें AB.CD, अगर ये हेक्साडेसिमल में है तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। अब इसका दूसरा तरीका, ये पहले ऑक्टल का भी लिख लो, ऑक्टल के केस में ये हेक्साडेसिमल का तो लिखा ही है, ऑक्टल में तुम्हारे 3 डिजिट्स होते थे ABC, और ये तो ये हो जाता था 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हम ये इसमें जब ये ऐसे आएगा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो अब हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ए का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे ये क्या था, 1010, तो ये लिखेंगे यहाँ पे ए की जगह ये लिखेंगे 1010। बी का क्या है 1011, तो 1011। पॉइंट सी का क्या है 1100, और डी का क्या है 1101। यहां तक आया समझ, ये तो ये लिख लिया। अब अगर तुमको ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल में कितनी डिजिट्स का ये ग्रुप होता है, 3 बिट। तो अब इसको 3-3 के उसमें ब्रेक करेंगे, और जहां पे डेसिमल लिखा है वहां से हम 3-3 के ग्रुप करते हैं। तो एक ग्रुप हमारा ये हो गया 110, और एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और अब इसमें 2 ही डिजिट बची है, तो इसको अपने आप मान लेंगे कि आगे वाली डिजिट 0 है, क्योंकि अगर नहीं है, और यहां से भी ये इसको मानेंगे ये। तो अब अगर ये यहाँ पे ये अगर ये 0 हमने मान लिया, ये अपने आप ये नहीं था ये उसको ये, तो 010 क्या होता है उसमें, तो 010 का मतलब है 2। तो बस अब ये जो है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 2, और 101 का मतलब क्या है 5, और 011 का मतलब क्या है 3, और ये 110 का मतलब क्या है 6, और 011 का मतलब है 3, और 010 का मतलब है 2। तो बस ये आंसर हो गया 253.632। तो ये इसका ऑक्टल हो गया। तो इसमें ये दोनों ही तुमको बनाने पड़ेंगे तब ये होगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लें कि 253.632 अगर ये ऑक्टल में है तो इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो अब फिर से इसमें ऑक्टल में है तो इसके वही कोड लिखेंगे, तो 2 का कोड आ जाएगा यहाँ पे 010, और 5 का कोड आ जाएगा ये यहाँ पे 101, और 3 का कोड आ जाएगा ये यहाँ पे 011, और 0.6 का कोड आ जाएगा ये 110, और 3 का कोड आ जाएगा 011, और 2 का कोड आ जाएगा ये 010। तो ये पहले ही वाले कोड लिख लिए, और अब यहाँ पे डेसिमल ये लिखा है, तो अब यहाँ से अब हमें हेक्साडेसिमल करना है, तो अब 4-4 के ग्रुप कर देंगे। तो एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और ऐसे ये यहाँ से एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और ये आखिरी में अगर 0 अकेला बचे तो वो निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये निगलेक्ट हो गया,
तो अब ये बचा 1010, तो ये हो जाता है ए, और ये 1011 ये बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। तो बस ये आ जाएगा ए एफ बी डॉट सी डी। तो हेक्साडेसिमल में करना है तो बस वो चार चार के ग्रुप कर दो, इसमें करना है तो ऑक्टल में तीन तीन के ग्रुप। अब ये बाइनरी एडिशन, ये वैसे कम आता है, तो बाइनरी एडिशन अगर दो डिजिट्स को ऐड कर रहा है ए और बी, तो ये जीरो जीरो को ऐड कर रहा है, जीरो वन को कर रहा है, वन और जीरो को कर रहा है, और वन और वन को कर रहा है, तो यहाँ पे सम क्या आएगा और कैरी क्या होगी। तो अगर जीरो प्लस जीरो तो सम भी जीरो कैरी भी जीरो, ये वन और ये जीरो, ये वन और ये जीरो। वन प्लस वन, तो वन प्लस वन का मतलब हो जाता है बाइनरी विथ टेन, टेन का मतलब है सम जो है जीरो विथ कैरी वन। तो वन प्लस वन जो है वो टेन, टेन का मतलब हो जाता है जीरो विथ कैरी वन, क्योंकि वन प्लस वन टू होता है और टू का बाइनरी कोड क्या हो जाता है जीरो वन, तो इसलिए वो हो जाता है ये। तो यहाँ पे बस अभी ये वन प्लस वन का मतलब हो जाएगा टेन, टेन का मतलब है जीरो विथ कैरी वन। तो इसी में बस एक बार नीट में आया था ये कि अगर ये 101.01 अगर इसमें ये 11.11 ये ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा आंसर। तो बस अभी इसमें करोगे तो ये 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब है 0 विथ कैरी 1। अब फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 0 ये तो 1 ही, और फिर 1 प्लस 1 यानी फिर से 10, तो 10 का मतलब है 0 विथ कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 का 1 विथ कैरी 1। तो ये यहाँ पे 1 प्लस 1 फिर से ये 10, और ये यहाँ पे ये फिर 1 प्लस 1 ये 10, तो ये आ जाएगा 1001। क्योंकि ये यहाँ पे तुम ऐड कर रहे हो तो ये 1 प्लस 1 का मतलब होता है 10, 10 का मतलब है ये सम जो हमने लिखा है 1 प्लस 1 अगर ऐड कर रहे हो तो सम 0 हो जाएगा कैरी 1, तो 1 प्लस 1 का 0 विथ कैरी 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस 0 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, फिर 1 प्लस 1 फिर से हो गया 10, 10 का मतलब है 0 विथ कैरी 1, फिर ये 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 का मतलब है 1 विथ कैरी 1। तो फिर ऐसे ही 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 10, 0 विथ कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 10। और वरना इसका और आसान तरीका है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर बस सिर्फ देख लो कि जो रिजल्ट आ जाए बस उसको कर लोगे दोबारा फिर से बाइनरी में, तो वो आंसर आ गया। और दूसरा अगर ये तरीका है कि 101.01 है तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1, और इसको करते हैं 2 की पावर 2 से, और इसको करते हैं 2 की पावर माइनस 1, और इसको करते हैं 2 की पावर माइनस 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 5, और ये हो जाएगा 1/4 यानी 5.25। तो ये इसकी इसका मतलब हो गया, ये जो है ये डेसिमल में हो गया 5.25। और इसी तरह से 11.11 का निकालोगे तो ये 11.11, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, और ये 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर माइनस 1, और ये 2 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3.75। तो ये आ गया यहाँ पे 3.75, इसको अगर ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 9, और 9 का अगर बाइनरी निकालोगे तो यही होता है 1001, क्योंकि 9 का अगर बाइनरी निकालो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा 4 विथ रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2, ये रिमाइंडर यहाँ पे 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे 1 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे 0 विथ 1 रिमाइंडर, तो ये उल्टा, तो 1001। तो ये लंबा मेथड है वरना डायरेक्ट वो है, कभी कठिन हुआ हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले जो भी दिया हो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के ऐड और सब्ट्रैक्ट, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है। तो ये एडिशन का, बाइनरी एडिशन का तो ये हो गया, फॉलो करते हैं ना। तो अगर ये तुमको करना है, मान लो ये 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 में से 9 ही सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ से तुम ये 1 बोरो कर लेते हो ना, तब ये हो जाता है 11 माइनस 1, तो वैसे ही यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब अगर ये करना होगा तो ये क्या आएगा, अगर 0 माइनस 0 करना होगा तो ये तो 0,
और यहाँ पे 1 माइनस 0 अगर करना होगा तो ये 1 और ये हो जाएगा, यहाँ पे अभी कोई बोरो नहीं हो, 1 माइनस 1 का मतलब है 0 विथ ये, हाँ 0 माइनस 1 करना होगा तो क्या आएगा, क्योंकि 0 में से 1 तो सबट्रैक्ट हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 1 विथ बोरो 1, यानी बगल वाले से बोरो करना पड़ेगा तब ये होगा। जीरो माइनस वन का मतलब ये हो जाएगा डिफरेंस 1, क्योंकि जब हम बोरो करेंगे तो ये 0 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुमने पढ़ा था अभी 1+1 का मतलब होता है 10, तो ये हो जाएगा जब बोरो कर लेंगे तो ये 10-1 तो ये 1। अगला क्वेश्चन, अगर ये करना है एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन तो अब ये कैसे होगा, अगर ये सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1-1, ये तो 0, अब 0 में से 1 नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 10-1, ये हो जाएगा 1, और अब ये क्या है, ये 1 है तो ये 1 तो अब ये 0 में कन्वर्ट हो गया, फिर से नहीं होगा तो ये बगल वाले से लेगा, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा ये 1, तो ये अब ये यहाँ पे तब ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1-1 यानी 0, तो ये आंसर। ठीक है, तुम इसमें भी ऐसे कन्वर्ट करके भी देख सकते हो कि ये यहाँ पे अगर ये कन्वर्ट करने पे ये कितना आ रहा है 1.5, और 1.5 का मतलब है 1 × 2 की पावर 0 यानी 1, और 5 का मतलब है यहाँ से ये जो है 2 की पावर -1, तो वह 1/2 का मतलब है हाफ।